नमस्कार दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक इसलिए करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ गॉड। इससे पहले आपने इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इनएविटेबल एक्सीडेंट के बारे में पढ़ लें कि इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है। तो देखिए, एक्ट ऑफ गॉड शुरू करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं आदि वैधि भगवान का कार्य, या आदि वैधि जो है टेक्निकल लैंग्वेज में आप अगर बोलेंगे लीगल लैंग्वेज में तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। लॉ टॉट्स में हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्ट ऑफ गॉड इज़ अ डिफेंस के रूप में, एज अ डिफेंस यूज़ करते हैं। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आता है रूल ऑफ रिलेंट वर्सेज फ्लीचर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे रिलेंट वर्सेज फ्लीचर, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। एक्ट ऑफ गॉड इज सेड इनएविटेबल एक्सीडेंट विद द डिफरेंस दैट द केस ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड द रिजल्टिंग लॉसेस अराइजेस आउट ऑफ द वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म, टेम्पटेड्स, टाइड्स एंड वोल्केनिक इरप्शन। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड इनएविटेबल एक्सीडेंट से अलग क्यों है, क्योंकि ये जो है इनएविटेबल एक्सीडेंट जो है वो नेचुरल तरीके से नहीं आता, वो कोई इंसान व्यक्ति जो कार्य कर रहा उसके थ्रू आता है, वो उत्पन्न होता बनता है, ठीक है ना। बट एक्ट ऑफ गॉड क्या है, ये नेचुरली अराइज होता है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, स्ट्रॉम हो गया, टेम्पटेड्स हो गया, टाइड हो गया एंड वोल्केनिक इरप्शंस जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए। बाय हॉल्सबर्ग लॉज, देखिए हॉल्सबरी लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है, इट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड कुड नॉट हैव बीन, ये एक जूरिस्ट थे पहले नंबर में आपको बता दूँ, नोट कुड हैव बीन गार्डेड अगेंस्ट द आर्मर एक्यूरेटली एज एक्सीडेंट ड्यू टू द नेचुरल कॉज। इनका कहना ये था कि कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, इसको गार्ड पहले से नहीं कर सकता, क्योंकि इसको किसी ने नहीं देखा, फोर्सिंग किसी ने नहीं किया, कोई बंदा प्रूडेंट नहीं कर सकता इसको कि ये आने वाला डिजास्टर नहीं आने वाला। इसका सेंसेस क्या है, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेज। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड का पहला नंबर जो एसेंशियल है कि एसेंस है वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, यानी कि हमें नेचुरल फोर्सेस होना चाहिए। दूसरा जो है, अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नोट अमाउंट टू वुड बी एंटीसिपेटेड एंड रीजनेबली। देखिए, दूसरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, यानी कि हमारे हाथ से परे हो, हमारे जो एरिया है उस सराउंडिंग से परे हो, हम उसको जानते भी नहीं, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, एंटीसिपेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि हम जानते हैं उस चीज़ को कि ये भविष्य में होने वाला है, तूफान होने वाला है, लेकिन कितना तेज़ होने वाला है ये भी हमें पता, फिर भी हमने प्रिकॉशन नहीं लिया, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी हमें पता ही नहीं है, ठीक। वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर एक केस आता है राम लिंगा नदार वर्सेज नारायण रेडियार। तो रॉब ट्रांसफर गुड इज़ नॉट एक्ट ऑफ गॉड वाई द डिफेंडेंट इज मेड लाइबल। देखिए, यहाँ पर एक बंदा जो होता है ट्रांसपोर्ट जो है ट्रक को जो है चोरी करता है, फिर कहता है कि एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये जाहिर सी बात है ये केस जो है प्ली जो है एकदम खारिज हो जाएगी, एकदम रिजेक्ट हो जाएगी, ख़त्म, बेकार है एकदम, कह सकते हैं, मतलब कोई शॉर्ट आउट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है।